हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही काम की वीडियो लेकर आई हूँ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे घरेलू तरीके से जुड़े हुए कुछ ऐसे जुगाड़ और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स जो आपके रोज़ के काम को बेहद आसान कर देंगी। साथ ही साथ आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कपड़े सुखाने वाली चिमटी को हमें अपने हाथों में क्यों लगाना ज़रूरी है। अगर आप इन चिमटियों को अपने हाथों में लगाते हैं तो आपकी काफ़ी सारी परेशानियां खत्म हो सकती है, साथ ही साथ आपके पैसों की भी बचत हो सकती है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आए तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जब कभी भी हम दवाइयाँ खाते हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमें सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में दर्द वगैरह ऐसी प्रॉब्लम्स होने लगी है और उसके लिए हम अलग अलग तरीके की दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि ये कफ सिरप है या फिर कोई भी गले में दर्द है उसकी कोई दवाई होती है। हम करते क्या है कि जब कभी भी हमें कहीं जाना होता है तो ये सिरप वगैरह ऐसी जो बॉटल्स होती हैं इनमें से अक्सर दवाइयां लीक हो जाती हैं और वो पूरी दवाई हमारे बैग में या पर्स में फैल जाती है, जिसकी वजह से दवाइयाँ तो वेस्ट होती ही हैं, पैसे भी वेस्ट होते हैं और हमारा पर्स और बैग भी ख़राब हो जाता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई दवाई है, छोटे बच्चों की हो या बड़ों की, और आपको कहीं ट्रैवल करने जाना है, कहीं बाहर जाना है, साथ में दवाइयाँ भी लेकर जानी है और दवाइयां अगर लीक करती हैं, बॉटल्स लीक हो जाती हैं, तो आप ये फॉइल पेपर की मदद से कोई रबर बैंड लगा दीजिए और ऊपर से यहां पे इसको कवर कर दीजिए। इसके बाद आपकी दवाइयां बिल्कुल भी गिरने वाली नहीं है, ना ही आपकी दवाइयां खराब होने वाली है, ना ही आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं और ना ही आपका पर्स और बैग खराब होने वाला है। दोस्तों, कपड़े सुखाने की इन चिमटियों का यूज तो अक्सर हम लोग अपने सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए ही करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूं जिसके बाद आपके शरीर से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, साथ ही साथ आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी। हम सभी जानते हैं कि दोस्तों, हमारा जो हाथ होता है इसमें 5 पॉइंट्स होते हैं। हमारे हाथों की जो हथेलियाँ होती हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स इनमें होते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारी उंगलियाँ होती हैं इनमें से हमारे 5 तत्व भी होते हैं, जैसे कि अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। दोस्तों, ये जो 5 तत्व हमारे होते हैं, अगर किसी भी तरीके का इम्बैलेंस यानी कि असंतुलित जब ये कोई भी तत्व हो जाता है तो हमें शरीर से जुड़ी काफ़ी सारी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। आँखों का कमज़ोर होना, आँखों की रोशनी कम होना, सिर में दर्द होना, याददाश्त का कमज़ोर होना, कई बार कुछ लोग चीज़ें रख के भूल जाते हैं, बोलने में किसी तरीके की कोई तकलीफ़ होना, आपको जुखाम यानी साइनस होना, माइग्रेन होना, आपकी पाचन से जुड़ी भी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरीके का आपको दर्द है, गैस से जुड़ी कोई समस्या है, यानी कि आपकी कोई भी तकलीफ़ आपको हो सकती है शरीर से जुड़ी हुई, आप इन चिमटियों का यूज़ करिए जिनका यूज़ हम कपड़े सुखाने के लिए करते हैं। होता यह है कि आपने देखा होगा कई लोग आपको बताते हैं कि आपको उंगलियों का इस वाले हिस्से को दबाते रहना चाहिए जिससे आपकी ये वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी। होता यह है कि हमारी इन उंगलियों के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से इन सब पे जब एक साथ प्रेशर पड़ता है इन चिमटियों की मदद से तो हमारे शरीर से जुड़ी हर तरीके की समस्या बिल्कुल ठीक होने लग जाती है, हमारे जो 5 तत्व हैं वो बिल्कुल बैलेंस में आने लग जाते हैं और हमारी परेशानी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिन चिमटियों का यूज आप कर रहे हैं उन्हें सिर्फ नाखूनों के ऊपर करना है, अपनी स्किन के ऊपर नहीं करना, वरना थोड़ा सा ना हर्ट होता है, थोड़ा सा परेशान आप हो जाएंगे क्योंकि आपको दर्द होने लगेगा। इसलिए आपको सिर्फ इसे नाखूनों के ऊपर ही यूज़ करना है। आधा मिनट आपको एक हाथ में करना है और आधा मिनट दूसरे हाथ में करना है। इसको पूरे दिन में आप 2 बार अप्लाई कर सकते हैं, यानी 2 मिनट के लिए सिर्फ आपको ये काम करना है जिससे आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाएंगे और आपके शरीर से जुड़ी कोई भी समस्या है, दिक्कत है, वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। और इस चीज़ को छोटे बच्चे यानी 5 साल से लेकर उम्रदार लोग तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये टिप कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ब्रेड का यूज़ तो हम सभी अपने घर में करते हैं, कई घरों में इन ब्रेड्स का यूज़ रोज़ डेली किया जाता है और कई घरों में कभी कभी किया जाता है, लेकिन जहाँ पर यहाँ रेट लिखा होता है ना, जहाँ ब्रेड का, वहाँ पर आपने कोई चीज़ नोटिस की है वहाँ पर इसे यूज़ करने की डेट तक लिखी होती है, लेकिन इस तरफ ना हम कई बार ध्यान नहीं देते। कई घरों में होता ये है कि जब
जब तक ब्रेड उनको फ्रेश लगती है वो तब तक खाते रहते हैं, लेकिन कई बार अगर आप ध्यान देंगे ना तो ब्रेड जो है 3-4 से 5 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाती है, जो डेट उसके ऊपर लिखी होती है। लेकिन बहुत से लोगों को ना पता नहीं होता, उसके बाद भी वो यूज़ करते हैं, जिससे शरीर से जुड़ी कोई भी समस्या आपको धीरे धीरे करके होने लगती है। तो और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ना ब्रेड को ना ठीक तरीके से फोल्ड करके ना फ्रिज में नहीं रखते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, जिससे उसके अंदर फ्रिज की ठंडी हवा जाती रहती है और वो ब्रेड काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाती है और सख्त हो जाती है, और फिर हमें लगता है कि ब्रेड अब बेकार हो चुकी है और हम उसे फेंक देते हैं या यूज़ ही नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ब्रेड को फोल्ड करने का एक तरीका, यानी पॉलीथीन को फोल्ड करने का एक तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसके बाद आपकी ब्रेड में बिल्कुल भी हवा नहीं जाने वाली है और जितने भी दिन आप इसे यूज़ करेंगे बिल्कुल ये फ्रेश की फ्रेश ही आपको मिलेगी। तो रखना तो इसको आपको फ्रिज में ही है, बस थोड़ा सा तरीका आपको चेंज करना है जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। अगर आप इस तरीके का यूज़ करते हैं तो आपकी ब्रेड ना जितने टाइम उसके अंदर लिखा है बहुत आराम से यूज़ कर सकती है। अच्छा, एक तरीका इसमें और मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको इस तरीके की फोल्डिंग की कोई दिक्कत हो ना कि ऐसे फोल्ड नहीं कर सकते, इतना झंझट कौन करेगा, तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। बार बार अगर आपकी ब्रेड की पन्नी खुल जाती है ना, तो ऐसे सिंपल तरीके से आप फोल्ड करके रख दीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे, और इसको पलट के रख दीजिए ताकि इसमें किसी भी तरीके की कोई हवा ना जाए। आई होप कि आपको ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। दोस्तों, ये जो नींबू निचोड़ने वाला जो ये सामान होता है ना, ये अक्सर हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम इसे एक तरीके से और यूज़ कर सकते हैं जो कि शायद आपको ना पता हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर में इसका नींबू निचोड़ने के अलावा किस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार हम जब अगरबत्ती के पैकेट्स लेकर आते हैं ना, तो उनके साथ इनके स्टैंड नहीं आते हैं। किसी किसी पैकेट्स में तो इनके स्टैंड भी साथ में होते हैं, लेकिन बहुत से पैकेट्स में ऐसा होता है कि इनके स्टैंड ही साथ में नहीं होते हैं, और स्टैंड हमारे पास है नहीं, पैकेट के साथ भी नहीं आया है, तो हम इसे कैसे लगाएं। तो अगर आपके पास ये नींबू निचोड़ने वाला सामान है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जितने भी ये छोटे छोटे छेद बने होते हैं, करीबन 5 से 6 इसमें छेद होते हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं एक स्टैंड की तरह। यानी आपके पास जितनी भी अगरबत्तियाँ हैं, अगर आप घर में सिर्फ फ्रेगनेंस के लिए यानी अच्छी खुशबू के लिए, सुगंध के लिए अगरबत्ती जलाने का शौक रखते हैं, तो आप इस स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं, इसे एक स्टैंड की तरह बनाकर यूज़ कर सकते हैं। मंदिर में तो आप इसे ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप घर के अंदर किसी भी कोने में इसे इस तरीके से रख दीजिए, एक साथ आप 5 से 6 अगरबत्तियाँ जलाकर रख सकते हैं। कहीं से भी स्टैंड ना जलने वाला है, ना ही ख़राब होने वाला है, और आपको अलग से भी कोई स्टैंड खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है, और आप बहुत आसानी से इसको कहीं भी रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। दोस्तों, हम कभी भी जब लिपस्टिक का यूज़ करते हैं या फिर हम सिंदूर का यूज़ करते हैं मांग भरने के लिए, तो आपने देखा होगा कभी पार्टी वगैरह में जाते हैं ना, तो जो शेड हम लगाते हैं ना वो काफ़ी हल्की लगती है, और खाना पीना खाते हैं तो वो लिपस्टिक ख़राब हो जाती है धीरे धीरे करके, जो सिंदूर होता है वो भी फैलना शुरू हो जाता है। तो आपको मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके बाद ना आपका जो ये शेड है सिंदूर का हो या फिर लिपस्टिक का हो, ये बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही ज़्यादा डार्क आएगा और बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होगा, यानी कि काफ़ी टाइम तक, काफ़ी घंटों तक आपकी ये चीज़ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है। करना आपको ये है कि कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसको अपने लिप्स के ऊपर अप्लाई कर लीजिए या फिर जहाँ पर आप सिंदूर लगाने वाले हैं वहाँ पर इसे हल्का सा लगा लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन लगाया, मैंने तुरंत बाद इसको अप्लाई कर दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको थोड़ी देर सूखने देना है फाउंडेशन अच्छे से आपके लिप्स पे, और जहाँ आप सिंदूर लगाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा बैठ जाएगा, ड्राई हो जाएगा, उसके बाद आपको लिपस्टिक और ये सिंदूर लगाना है। तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आपको लगेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो हेल्थ के साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होती है, और साथ ही साथ आपके रोज़मर्रा के काम भी बहुत आसान होते हैं और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सारी टिप्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे आपके दोस्तों कॉमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आप कॉमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी टिप पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।